स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी शिमाज़ खाना में। और आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बहुत ही बढ़िया मसाला चाय, बिल्कुल बढ़िया, जो आपको आजकल कोरोना में भी आपको बहुत राहत पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी सामग्री डाला जाता है जो आपको बहुत हेल्दी और बहुत स्वस्थ रखने में आपको हेल्दी और स्वस्थ रखने में बहुत हेल्प करेगा, आपकी इम्यूनिटी जो है उसको भी बूस्ट करता है ये। तो आइए एक बार चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है मसाला चाय जैसे बनाने के लिए। हमने लिया है अदरक, 6 से 7 काली मिर्च, 2 इलायची, 1 दालचीनी का बड़ा टुकड़ा 1 इंच का, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 छोटी छोटी तेज़पत्ता, हमारे पास है चाय पत्ती 2 चम्मच, हमारे पास 2 चम्मच चीनी, 1 गिलास दूध, 1 गिलास पानी। तो फटाफट हमने गैस को ऑन कर लिया है, गैस पे पैन चढ़ा लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, आपको जितना चाहिए और इसी हिसाब से आपके घर में जितना यूज होता है आप बना लें। तो फटाफट मैं पानी के साथ इसके अंदर दूध ऐड कर दूँगी। तो हमने 1 गिलास दूध डाल लिया है इसके अंदर और एक अच्छा उबाल आने तक के लिए इसे उबालेंगे। दूध के अच्छा अंदर एक अच्छा उबाल आ गया है बहुत ही बढ़िया से। तो फटाफट इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर लेंगे, तेजपत्ता, इलायची का दालचीनी, लौंग, ये कूट के भी डाल सकते हैं और हम यहाँ इलायची को तोड़ के डालेंगे सारे दाने इसका बाहर निकाल के। इसके अंदर काली मिर्च कुटा हुआ हमने इसे कूट लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे अच्छे से चाय पत्ती। पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ, ये बहुत ही बढ़िया लगता है चाय सुबह सुबह जो आप लेते हैं ना, बहुत आपको रेस्ट होगा, बहुत अच्छा लगेगा जो है आपको पी के। वैसे खाली पेट चाय कभी नहीं पीनी चाहिए, पानी के साथ, पानी पीने के बाद ही आप इसे पी सकते हैं। तो फटाफट मैं इसके अंदर चाय पत्ती ऐड कर दी हूँ और इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक, हमने इसमें 1.5 चम्मच चाय पत्ती ऐड किया है, सॉरी चीनी। तो मैं इसके अंदर जो है चीनी 2 चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक, अदरक को घस लेते हैं इसी के अंदर। अब हमारा इम्यूनिटी बूस्टर जो है चाय बन के रेडी हो जाएगा, इसे अच्छे तरीके से हमें पका लेना है। पत्ती छोड़ रहा है, तो देख रहे हैं ना कितना बढ़िया कलर आया है हमारे चाय में और बहुत ही अच्छे से इसे हमें उबाल लेने हैं। चाय हमारा बन के रेडी हो चुका है, लगभग 4 से 5 मिनट मैंने इसे पका लिया है बहुत अच्छे, ताकि इसका जो दालचीनी है, काली मिर्च है, तेज़पत्ता है, इलायची है, सबका स्वाद जो है अच्छे तरीके से पक के हमारे चाय के अंदर मिक्स हो जाए और हमारा इम्यूनिटी बूस्टर चाय जो है बन के रेडी हो चुका है। तो आइए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। चाय को हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फटाफट हमने ये चाय बना के आपके साथ सर्व किया है, पीने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया चाय है, बूस्ट इम्यूनिटी बूस्ट को बूस्ट करता है। तो फटाफट इस टाइम तो आप आराम से ये चाय बना के पीजिए, दूध के जगह आप सिर्फ पानी भी ऐड कर सकते हैं सारे मसालों के साथ, नींबू ऐड कर सकते हैं, वो भी एक काढ़ा की तरह है, एक रूप लेगा। तो फटाफट आप इस चाय को जो है बना के पीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि हमारा बनाया हुआ आपका इम्यूनिटी बूस्टर चाय कैसा लगा, क्योंकि आपका कमेंट्स हमें अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करने नहीं भूलें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।